हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आपको दिखाते हैं हौसलों की उड़ान की एक कहानी। हम बात कर रहे हैं मुंबई की आसमा की। 10वीं में 40% अंक हासिल करने वाली आसमा को मुंबई की नामी स्कूल में दाखिला मिलने वाला है। नमस्ते भारत में खबर दिखाने के बाद उनकी मदद के लिए काफी लोग आगे आए। चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कान, आंखों में चमक, ये है मुंबई की आसमा। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 40% अंक हासिल कर इन दिनों सुर्खियों में है। मुंबई के नामी केसी कॉलेज ने आसमा के सपने का सम्मान किया है। उसे कॉलेज में दाखिला देने और पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा ले लिया है। आसमा के हौसले को देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने कट ऑफ के नियम में बदलाव तक कर दिया है। कुछ हद तक हम सोचते हैं कि परसेंटेज नहीं है, पर किस बच्चों को हम आगे ला सकते हैं कि आगे वो कभी खूब मेहनत से मेरिट पे आ जाए जी। और जिस हालात में बच्चे पढ़ाई करके 40 लाते हैं तो मेरे लिए शायद वो 90% से भी ज्यादा है जी। मैं सोची नहीं थी मैं वो 40% में इतना बड़ा कॉलेज मिलेगा, इतना मतलब ये सब सपोर्ट करेगा, इतना सब मैंने कभी सोची नहीं थी। पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है, इतने बड़े कॉलेज में मेरा एडमिशन होएगा। फुटपाथ पर रहकर पढ़ाई करने वाली आसमा की कहानी जब एबीपी न्यूज के नमस्ते भारत में दिखाई गई, तो उसके बाद तमाम लोग उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आसमा की सफलता से उसके माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे। ऐसा तो मैंने ऐसा कभी सोची नहीं थी कि मैं हार मानूंगी। अभी कितने जान कर रहे हैं वो लोग, अभी खूब आभार अपने को। उम्मीद की थी कि ऐसा कुछ कर पाएगी आसमा? नहीं, ऐसा नहीं उम्मीद की थी। तो बिल्कुल एक हौसले की उड़ान जो है आसमा ने भरी है। परिवार के लिए एक बहुत ही अलग माहौल हुआ है, क्योंकि नामी कॉलेजेस में एडमिशन की मांगे अब उठ रही हैं, घर के लिए मांगे उठ रही हैं और इनको नौकरी की भी सुविधा दी जा रही है। सभी का एक प्रयास है कि आसमा और उसके परिवार को एक बेहतर जिंदगी दिया जा सके, क्योंकि आसमा जैसे जो बच्चे हैं जो कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखते हैं उन्हें एक नया आसमान दिया जा सके। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज़ मुंबई।